बात करवे को आइडिया उपदेश सब तरीका को होतो है। काउ की बात कत पे अंगुरिया ज्यादा चलती, काउ की बात कत पे हाथ इधर उधर होते रहते हैं, और काउ की बात कत पे सर हलतो है, और काउ की बात कत पे मतलब हाँ आंखी उचल जाते। तो एक ऐसा आदमी था जो बिना की आदत पड़ी गई हर बात पे उनकी आंख चल जाते थी। सो एक दिन वे जो आते, अब गांव के लोग तो जानेंगे, एक दिन वे लड़की नहीं देखे के नहीं गए। गांव के लोगों ने कही भैया चले चलो, लेकिन लड़की नहीं देखे आए। सो लड़की देखे वे लेके नहीं गए, सो बे सामने बैठा था। अब वे लड़की जब देख रहे हैं शादी के लिए, और उनने जब पूछी कि भाई बताना कितने भाई हैं तुम्हारे, और भाई कहना पाई तो एक मिची गई और एक खुली रही। अब वे फिर कलम पड़े, लेकिन वाके बाद में एक दिन फिर वे ससुराल में गए, और जब ससुराल में गए तो ससुराल वालों को तो माला बनाई थी कि न कि चल जाते। ऐसा हुआ कि गए मधु ससुराल, आए जुरी मिल आई गई सारी के गए मधु ससुराल, जुरी मिल आई गई सारी। ससुराल में जैसे ही पहुंचे तो सब सारी भाज भाज के आई गई। एक सारी ऐसी हती जो बगा में रहती ना थी, दिल्ली रहती थी, उनको आदमी नौकरी करते थे। हाँ, सो बेवाई भज के बिन्ने नए नए जीजा बे देखे थे बाद ना। सो एकदम से खैर खबर पूछन लगी, अरे जीजा ने अपनी सारिन को खैर खबर बतलाई, बात करत में हाय जीजा की धोखा में चल गई। बे समझ ही रहो जू मारी जुर्म ले आई गई सारी। उनकी आदत जहती जब वे बात करते तब उनकी एक मिच जाती। सो एकदम से सारी जब पूछी कि जब बता दीजा हमारी जिद्दी कैसे, उनने की हाँ जिद्दी सब बढ़िया है, लेकिन जब मिच देखी बनने अब उनकी मिच तो कई बात करते। वे जो सोची हमें जो लगते जो हम सुंदर हुई से हूँ, जो हमें लगते हमें देख के जाने आंखें ऐसे कर भाई। वे एकदम भाजी हूं तक खैर खबर सब पूछी भूल गई, अरे बात बताई माँ अपनी को जीजा बड़ो गवार, बात बात में हमें देख के रो है आंखी, कहाँ है बिरन हमारी चुरी मिल आई गई सारी के कहाँ है। एकदम से वे लौट के भाजी अपनी माँ से कई चीजा बड़ो गमार, बात बात बाकी आंख चल रही हो सब हमें देख के। अरे राम राम हम जाए जिंदा ना छोड़े तुझे जान, तो हमारे आदमी तो तू ज्यादा बढ़िया है। अब एकदम सास जो हती वो लड़की की माँ सो आई और दामाद से बोली, काय तुम हमारी बेटी देख के और तुम मतलब जो है। अब बिन्ने कही अरे राम राम कैसी बात करी तुमने, अरे राम राम बताओ भाई भाई कैसी बात करो आंटी जी हम ऐसे हैं नहीं। अपनी सास से बोले हम ऐसे हैं नहीं, अरे मेरो सब परिवार भलो है, कहे तम फिर से चली गई। बे सोची मैं बूढ़ी नारी हमको समझे सारी, उनने तो कही अरे आंटी जी कैसी बात कर रही हो, अब कैसी बात कर रही है, हमारो सब परिवार ही भलो है। अभी इतनी बात कही लेकिन चक्कर जेतो के धोखा मत चल जाती। जैसे बिन्ने सास के सामने एकदम जवाब कही सुबह धोखा मिच फ्री हो गई। सोई में बोली बा भाई तू हमें उसारी समझे तू, सोई उनने पहले रिकन से कही दी के जो बड़ो गमार है जो रिश्तेदार है ये तो मान लायक है। अब वे तुरंत ही जो हते सारे सब आए और बोले काय रिश्तेदारी है तो जाकर मतलब जू थो रहूंगा कि सब परिवार हुई मन तुम्हारे कहने करता हूँ, बात बात हो तुम्हारी आंखें चलते। बोले बा भाई बहन तुम्हारी तैसी मेरी, अपन सारे से बोले कि बहन तुम्हारी तैसी मेरी गलत फहमी तुम्हें हुई गई, अरे
रहे अपने, कर रहे बात अपने साले से, तोले उनके उस सम्मुख चली गई दाए जीजा में दुई जारी, छुरी मिली आई गई साली। एकदम से जीजा से सारे ने कही काज बता, तुम हमारी बहने को देखियो तुम, मतलब बे बोले अरे राम राम बता, तुम्हारी माता जी तैसी, हमारी माता जी तुम्हारे भैया तैसे, हमारे भैया तुम्हारी बहन तैसी, तुम्हारी तुम हमारी बहन कैसी बात कर रहे तुम। तो इतनी बात जैसी कई सोई एकदम धोखा में उनकी फिर दबी गई, और फिर दबी गई सोई में सारे ने दो तमाचे दाए, और बाके बाद में बे बोले कि अब तुम्हें हिंद ससुराल में टिकट नहीं दी, सोई पकड़ के थाने में ले गए। और जब पकड़ के थाने में ले गए दरोगा जी पूछने लगे, कहो कैसे आए। वे बोले महाराज अरे मेरे घर में सुंदर नारी रंजाम लगाई, दरोगा जी से बात कर रहे हैं कि हमारे घर में बहुत सुंदर औरत है, और देखो चल के संग हमारे तले, दरोगा जी से वो चली गई दाए बे जेल में डारी, मिल आई नहीं सारी जेल में डारी। कैसे आए बिन की साहब हमें अंजाम झूठो लगाए रहे, हमारे घर में सुंदर औरत इतनी बात कहने पे तो फिर दबी गई। दरोगा जी बोले बाबा भाई हमें भी साली समझ रहा है, पकड़ा जेल में डाल दिया। उसके बाद अब घर के लोगों ने सुनी वे ससुराल गए थे, लेकिन जेल में घर के लोग सब भादे चलो मिलाई कर, लेकिन उनकी आदत ऐसी जो बात करते पे एक एक चल जाती। अरे नारी भाभी पिता माता मिले कर बे आए मिलाई, तो माँ ने पूछी लला जेल में कैसे आए ससुराल में आते, पूरी बात बताए नहीं पाए तोले माँ से उनकी चली गई। बे सोची जू बड़ो मक्कार हम कौन समझे सारी, जेल में कैसे आए उनने कि बिना बात के चले आए, लेकिन माँ के सामने अब आदत तो आदत है, जब माँ के सामने चली गई बे सोचन लगी जो हमें लगते हमें सारी समझे तो चुपचाप लौट आई, जैसे तैसे जमानत है भाई। अब जमानत हुई कि जब घरे आए गांव के लोग पूछने लगे कहो लला क्यों गए जेल में, अरे जैसे तैसे भाई जमानत पहुंचे गांव में आई, पूछे उनसे जब नर नारी तो देवे ये कदम आई गए थे जासे यार, अरे हुई गई मेरी ख्वारी। गांव के लोग जब पूछते जेल में काहे को गए, सोई बे एक दवाई देते जकाते हैं कह के गए थे जासे यार तासे हुई गई ख्वारी। दोस्तों अब देखते हैं इससे आगे। कह रहे लुकना भैया, ओ दद्दू धर्म सेठ आज तुम ढीले ढीले कैसे घूम रहा हो। अरे ढीलो ढीलो का यार भैया को ब्याह हुआ है, तब यार कहूं इनको बातें है गई बात सारी सो। अरे ना वो छल्लो सारी है ना, अब यार हूं सोचे तू के कौन सा बहानो ऐसो मिले सो हूं लिवा ले आऊं। कोई बहानो बनाए जरूर चले जाओ लिवाए लाओ। और पैसा तो ना थे तो पैसा हम दे दिए 100 रुपया ले जाओ सारी के काज। अरे और का पैसा थोड़ी दे देते भाई। हां तुम हो दे तुम 100 का ज्यादा ना है ना, हम ज्यादा भी दे देते बस वही ले जाओ। चलो ले आओ ले जाओ। अम्मा ओ अम्मा ओ जीजा आ गए। हट जा तेरी किस्म कहां देख बुझ चलो आ रहे लुका जीजा सुने। ओए होए के जीजा आए गए, ओए होए के जीजा आए गए, ओए होए के जीजा आए गए। बत सुन मेरी अम्मा जब पटो है पजम्मा, बत सुन मेरी अम्मा जब पटो है पजम्मा, जाए शर्म रही अब ना जीजा
क्यों?